दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसे किसी व्यक्ति की कहानी सुनी है जिसके शरीर पर एक हैवान का कब्जा था, वो भी 6 सालों तक। एक ऐसा हैवान जो व्यक्ति के शरीर को हर दिन खोखला करता जा रहा था। फिर एक दिन वो हैवान उस पर पूरी तरह से हावी भी हो गया, और फिर जो कुछ उस राक्षस ने उस व्यक्ति के साथ किया ये जानकर तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर हैवान शब्द सुनकर आपकी कल्पना में कोई भूत प्रेत आ रहा है तो अपनी कल्पनाओं को थोड़ा विराम दीजिए, क्योंकि मैं जिस हैवान की बात कर रहा हूँ वो असल में एक नन्ना सा जीव है। एक इतना छोटा जीव जिसे अपनी आंखों से देख पाना भी नामुमकिन है, लेकिन जब ये किसी इंसान के अंदर घुस जाता है तो फिर उसके शरीर पर ऐसा कब्जा जमाता है और शरीर को इस तरह से खोखला करता है कि देखने वाले की रूह भी कांप जाए। ये कहानी है साल 2003 की, जब अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में रहने वाला एक व्यक्ति जोन अपने परिवार के साथ मौज मस्ती कर रहा था। तभी अचानक उसे चक्कर आया और वो बेहोश हो गया। ये देखकर उसका परिवार घबरा गया और तुरंत ही उसे अस्पताल लेकर गया, जहां डॉक्टर ने अचानक आई इस चक्कर की जांच तो की, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर 34 वर्षीय जोन के साथ ये सब हुआ कैसे। अब क्योंकि डॉक्टर जोन की बीमारी का पता नहीं लगा पाई थी, तो इसका नतीजा ये हुआ कि जोन भी अपनी सेहत को लेकर लापरवाह हो गई और एक बार फिर से अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गई। लेकिन जोन की पत्नी लिसा को ये बात अंदर ही अंदर परेशान करने लगी थी, क्योंकि ये पहली बार नहीं था जब उनका पति अचानक से बेहोश हुआ था, बल्कि इससे पहले भी जोन को गाड़ी चलाते हुए उस समय अचानक चक्कर आई थी जब वो अपने ऑफिस जा रही थी। लेकिन लिसा करती भी तो क्या, ना बीमारी का पता और ना डॉक्टर की कोई विशेष सलाह। सो कुछ दिन बाद लिसा ने भी इस बात को भुला दिया, लेकिन इससे जोन की तबीयत में कोई भी फर्क नहीं आया, बल्कि जैसे जैसे समय बीतता गया जोन का अचानक से बेहोश होना और भी ज्यादा बढ़ता चला गया, और तो और अब उन्हें पेट दर्द जैसी और भी शिकायतें होने लगी थी। आखिरकार फिर वही हुआ जिसका अंदेशा सबसे पहले लिसा को हुआ था, क्योंकि जो बीमारी जोन के शरीर में अब तक छुपी हुई थी वो निकल कर सामने आ गई। तो जब जोन की हालत बद से बदतर हो गई तो उन्हें पेंसिल्वेनिया के एक नामी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां न्यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट डॉक्टर डेनियल ने तुरंत जोन का इलाज शुरू कर दिया, क्योंकि डॉक्टर डेनियल इस केस को इनडायरेक्टली तभी से फॉलो कर रहे थे जब जोन को पहली बार अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। डेनियल पहले ही समझ गए थे कि जोन का केस पेचीदा है, और फिर जब डॉक्टर डेनियल ने जोन का एक टेस्ट लिया तो उन्हें यकीन हो गया कि जोन के शरीर में कोई बेहद गंभीर बीमारी छिपी हुई है। तो हुआ कुछ यूं कि जब डॉक्टर डेनियल ने जोन से अपनी नाक को छूने को कहा और उसे छूने के बाद अपनी उंगली आगे बढ़ाई और फिर उस उंगली से अपनी उंगली को छूने को कहा, तो जोन ऐसा नहीं कर पाई। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि भला ये कैसा टेस्ट है, तो आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि ये टेस्ट कोई भी पास कर सकता है, सिवाय उसके जो दिमाग की किसी गंभीर समस्या से जूझ रहा हो, क्योंकि ये टेस्ट सडन मूवमेंट पर आधारित है जिसमें जोन असफल हो गए थे। जोन की ये हालत देखते ही डॉक्टर को समझ आ गया था कि उन्हें सेरेब्रम से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या जरूर है। दिमाग का वो पिछला हिस्सा जो शरीर की मसल्स को कंट्रोल करने के साथ साथ बॉडी बैलेंस को भी नियंत्रित करता है। इसके बाद जोन का सीटी स्कैन किया गया जिसमें डॉक्टर डेनियल पूरी तरह से ठीक साबित हुए, क्योंकि जोन के सेरेब्रम में एक ऐसा ट्यूमर मौजूद था जिसका साइज एक अखरोट जितना बड़ा था। लेकिन सीटी स्कैन की रिपोर्ट से स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि आखिर वो ट्यूमर है या फिर कुछ और। इसके चलते जोन की बायोप्सी करवाई गई ताकि ये ट्यूमर है या फिर कुछ और ये बात साफ हो सके। आपको बता दें कि बायोप्सी वो जटिल प्रोसेस है जिसमें मरीज की खोपड़ी को खोलकर उसमें मौजूद ट्यूमर से सैंपल लिया जाता है ताकि डॉक्टर ट्यूमर की स्टेज और उसका इलाज पता कर सके। लेकिन जब जोन की बायोप्सी रिपोर्ट आई तो उसे देखकर डॉक्टर डेनियल हक्के बक्के रह गए। इसलिए नहीं कि वो स्ट्रक्चर कोई ट्यूमर नहीं था, बल्कि इसलिए कि जोन की खोपड़ी में मौजूद वो डरावना स्ट्रक्चर पैरासाइट का पूरा झुंड था, एक परजीवी झुंड जिसने जोन के दिमाग पर कब्जा किया हुआ था। डॉक्टर डेनियल ने अपने समूचे मेडिकल करियर में ना ही तो ऐसा कुछ देखा था और ना ही इसके बारे में कभी सुना था। डॉक्टर डेनियल की हैरानी की एक वजह ये भी थी कि वैसे तो ये परजीवी शरीर के बाहर पैदा होते हैं, फिर किसी ना किसी माध्यम से ये शरीर में प्रवेश भी कर जाते हैं और फिर वहीं अपना डेरा भी जमा लेते हैं। लेकिन एक तरफ अगर शरीर से पोषण लेना और बदले में शरीर को नुकसान पहुंचाना ये इनका स्वाभाविक काम होता है, तो वहीं दूसरी ओर शरीर में मौजूद एंटीबॉडीज भी इनसे तब तक बराबर लड़ती रहती है जब तक इन्हें निष्क्रिय कर इन्हें शरीर से बाहर ना कर दे। लेकिन जोन का केस बिल्कुल ही अलग था, जिसमें दो अहम सवाल डॉक्टर की पूरी टीम को परेशान कर रहे थे। पहला ये कि इन परजीवी ने आखिर जोन के शरीर में प्रवेश कैसे और कहां पर किया, और दूसरा ये कि शरीर के भीतर ये दिमाग तक कैसे पहुंचे। हालांकि दूसरे सवाल का जवाब भी डॉक्टर को जल्द ही मिल गया, लेकिन पहले सवाल का जवाब केवल लिसा ही दे सकती थी, क्योंकि डॉक्टर डेनियल जानते थे कि ये सवाल खानपान से जुड़ा हुआ था जिसका जवाब केवल उनका परिवार ही दे सकता था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि खानपान वो माध्यम होता है जिसके द्वारा सबसे ज्यादा पैरासाइट हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, और जोन क्या खाते और पीते थे इसका जवाब लिसा से बेहतर भला कौन दे सकता था। लेकिन जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि जोन का केस करोड़ों में से एक था, तो इससे जुड़े सवालों के जवाब भी इतनी आसानी से मिल जाते भलाई कैसे मुमकिन था। तो जोन के खानपान की हिस्ट्री से भी उस सवाल का जवाब नहीं मिल सका, क्योंकि लिसा के अनुसार जोन हमेशा से ही हेल्दी और हाइजीन का खास ख्याल रखते थे। हालांकि सवाल का जवाब ढूंढना मुश्किल भले ही था, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए इस बार जोन नहीं बल्कि पैरासाइट की जांच हुई। तब जाकर ये पता चला कि वो पैरासाइट तो पूरे अमेरिका में पाया ही नहीं जाता था, जिसका सीधा सा मतलब ये था कि जोन के शरीर में पैरासाइट का प्रवेश
अमेरिका से बाहर हुआ था। और जब इस बात की पुष्टि लीसा से की गई, तो पता चला कि साल 1997 में ये कपल अमेरिका से बाहर ईस्ट अफ्रीका की सैर पर गए थे, जहां पर उन दोनों ने विक्टोरिया नामक झील में गोते लगाए थे। लीसा ने जैसे ही अपने परिवार की ट्रैवल हिस्ट्री साझा की, तो डॉक्टर डेनियल तुरंत समझ गए कि जो उनके भीतर परजीवी का प्रवेश विक्टोरिया झील में ही हुआ होगा। दरअसल ये एक सिस्टोसिमाइसिस पैरासाइट था, वो परजीवी जो केवल एशिया या फिर अफ्रीका में मौजूद साफ पानी के स्रोतों में ही पाया जाता है, जिनके अंडे इनसे इन्फेक्टेड मरीजों के मलमूत्र के सहारे पहले तो साफ पानी में आते हैं और फिर पानी के संपर्क में आते ही ये अंडे फूटकर लार्वा में बदल जाते हैं। इसके बाद ये झील में मौजूद स्नेल के शरीर पर अपना अड्डा बना लेते हैं और जब ये सभी वहाँ पर अच्छे से ग्रो हो जाते हैं, तो ये परजीवी फिर एक बार अपने गंतव्य यानी इंसानी शरीर की ओर निकल पड़ते हैं, जिनमें इनकी मदद झील का साफ और पीने योग्य पानी करता है। तो एक बार जैसे ही ये पैरासाइट इंसानी शरीर में पहुँचते हैं, तो इनके लार्वा ब्लड वेसल्स की मदद से इंसान के समूचे शरीर में फैल जाते हैं। हालांकि इसके बाद ये शरीर के अलग अलग हिस्सों में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं और फिर मलमूत्र के सहारे फिर एक बार शरीर से बाहर भी निकल जाते हैं। लेकिन जोन का केस थोड़ा पेचीदा था, क्योंकि उनके केस में वही लार्वा ब्लड वेसल्स के माध्यम से उनके सेरेब्रम वाले हिस्से में पहुंच गया और तो और वहां ठहर कर उसने अपना अड्डा भी बना लिया था। और जैसे जैसे ये संख्या बढ़ती गई, परजीवी ने जोन के दिमाग को पूरी तरह से खोखला करना शुरू कर दिया, जिससे आखिरकार उनकी हालत ऐसी हो गई कि अगर समय रहते डॉक्टर डेनियल ने जोन के केस को सही से ना समझा होता या फिर उन्हें ऑपरेट ना किया होता, तो इसके अभाव में जोन की मृत्यु होना तो निश्चित थी। और अगर वो किस्मत से बच भी जाते, तो कम से कम उन्हें पैरालिसिस का अटैक पड़ना या फिर उनका कोमा में जाना तो निश्चित ही था, क्योंकि ऑपरेशन के दौरान जब इन पैरासाइट को बाहर निकाला जा रहा था, तब इनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि जिनकी गिनती कर पाना भी डॉक्टर डेनियल की टीम के लिए संभव नहीं था। लेकिन जिस जोन की बदकिस्मती करोड़ों में से एक थी, उसी जोन की किस्मत भी उतनी ही शानदार थी, क्योंकि ऑपरेशन कामयाब हुआ और जोन की जान बच गई, जो एक बार फिर से उसी तरह अपने परिवार के साथ मौज मस्ती करने लगा। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।